नागपुर के अभिलाषा हॉस्पिटल और हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, जिसे हेल्थ सिटी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल कहा जाता है, वहाँ पे एक दिन के बच्चे की अदला बदली हुई है और उनके लापरवाही के कारण एक 32 साल की गृहिणी की मौत हुई है, ऐसा आरोप हर्षल प्रमोद टोपरे, जो उनके पति है, उन्होंने लगाया है। मैं आपको ये इसकी पूरी बैकग्राउंड बताने से पहले बता देता हूँ कि आरोप क्यों लगाया जा रहा है। हर्षल टोपरे को एक बेटा पैदा हुआ था। इन्होंने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने बच्चे को देखा था और वो मेल था, ऐसा उन्होंने बताया। डॉक्यूमेंट्स भी कुछ इस तरह से कहते हैं। पहले देखिए कि ये बच्चा जो है, एक दिन का बच्चा जो है, वो पहले अभिलाषा हॉस्पिटल में पैदा हुआ, उसके अभियोग हॉस्पिटल में पैदा हुआ। उसके बाद उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो उसे रेफ़र किया गया हेल्थ सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब वो इनको बताया गया कि वो मेल था, लेकिन हेल्थ सिटी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने इसे फीमेल घोषित बताया था। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, ये हेल्थ सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हैं। उसके बाद इनके, और ये देखिए, जब ये बच्चे की डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र देती है, उसमें मेल बताया गया है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मेल बताया है। उसके बाद ये डेथ रिपोर्ट देखिए, इसमें ना बच्चे का कोई लिंग नहीं बताया गया कि मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद नागपुर महानगर पालिका का जो धंतोली जोन का एक सर्टिफिकेट है, मृत्यु प्रमाण पत्र, जब मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, इसमें लिखा है लहान मुलगा, अगर देख सकते तो लहान मुलगा, और यहाँ पे लिखा है सेक्स ऑफ डिजीज पुल्लिंग, जिसे पुरुष कहा जाता है। उसके बाद हेल्थ चिल्ड्रन सिटी का एक फिर रिपोर्ट है, इसमें ये बाकायदा दिखा गया है कि ये मेल है, बच्चा जो पैदा हुआ वो मेल है, और इनकी रिपोर्ट पहले बताती है, जो मैंने पहले दिखाया, कि ये फीमेल है। एक ही हॉस्पिटल के एक ही बच्चे की रिपोर्ट जो है वो दो बताई जाती है, और ये कहा जाता है कि आपको जो है फीमेल पैदा हुई थी और इसी के कारण जो है ये झोल पैदा हुआ है, कि क्या यहाँ पे अदला बदली हुई है नहीं हुई। इस सारे मामले में बात करने के लिए मेरे साथ है हर्षल टोपरे, उनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला हुआ था, बच्चे की अदला बदली हुई थी, आपके बाकायदा आपकी वाइफ की डेथ वहाँ पे हुई है, लापरवाही के कारण हुई है, या बच्चे को अदला बदली करने के लिए ये सब चीज़ें हुआ। देखिए, अभी कोई भी डिलीवरी के लिए जाता है तो डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके जाता है, और मेरे वाइफ की अभी एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही थी, और उसी दरमियान मार्च 2020 से उनकी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वहाँ पे हम ले रहे थे, तो उसे 9 महीने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, और एकदम तंदुरुस्ती, एकदम हट्टी कट्टी थी। और मेरे पास उसके कुछ फ़ोटो भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उसके फ़ोटो भी हैं, मैं आपको दिखाऊँगा कि आपको समझ जाएगा कि वो किस तरह की थी। 9 महीने का जो प्रोग्राम होता है घर पे किया जाता है, बच्चे का नामकरण एक प्रोग्राम किया जाता है, इसमें आप देख सकते हो कि मेरी वाइफ की तबीयत कितनी अच्छी थी। आप देख सकते हो कि एकदम 23 जून 2020 की ये तस्वीर है, इसके 15 दिन बाद उसे अभियोग हॉस्पिटल में यानी 7 जुलाई 2020 को एडमिट किया था। आप देख सकते हो कि ये फ़ोटो में आपको कहीं दिख रहा है कि उसको कोई बीमारी थी या फिर कोई प्रॉब्लम था, 9 महीने से कोई दिख रहा है आपको, आपको ये दिख सकता है कि उसकी इतनी हालत अच्छी होने के बाद कौन कैसे इतने जल्दी यानी इतना कुछ उसके साथ हो सकता है। तो मेरा मानना वही है कि हम 6 जुलाई को हम पहले हॉस्पिटल में गए थे, जो कि 2 जुलाई को हमारी सोनोग्राफी हुई थी, 9वें महीने की लास्ट वाली। तो मैडम ने बोला कि आप 2-3 दिन बाद आओगे तो सोनोग्राफी लेके आना साथ में 9वें महीने की। तो 9वें महीने की सोनोग्राफी हम लेके 6 जुलाई को गए तो मैडम ने बोला कि बेबी का वज़न जो है 3.5 किलो का बेबी है, और 3.5 किलो का बेबी है उसको थोड़ा शुगर का भी, जो डिलीवरी के दरमियान जो होता है 3-4 महीने पहले उसको शुगर हुआ था, लेकिन नॉर्मल भी हो गया था वो उस टाइम में, और बेबी नीचे आ रहा था। तो मैडम ने बोला कि हाँ बेबी नीचे आ रहा है, 3.5 किलो का बेबी है और थोड़ा शुगर का भी है, तो हर्षद अपन सीजर करेंगे। तो मैंने बोला सर मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं, कल हम आप बोलिए कब आना है, तो बोले आप 7 जुलाई को कल आ जाइए रात को 9:30 बजे एडमिट हो जाइए, 9:30 बजे। मैंने बोला ठीक है। हम प्रॉपर तरीके से 7 जुलाई को खाना वगैरह खा के बाकायदा हम हॉस्पिटल में, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 7 जुलाई की ही तस्वीर है जो आपको दिखेंगी यहाँ पे, कि मेरी वाइफ गायत्री टोपरे ये कितने अच्छी तरीके से चल फिर के अपने पैरों पे ये हॉस्पिटल में आई थी। पूरा हमने वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन किया, वहाँ हम इंतज़ार कर रहे थे डॉक्टर का, और सब आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तबीयत थी, बात कर रही थी, सब कुछ अच्छा था। और यहाँ पे सब डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद
उन्हें हॉस्पिटल ऊपर रूम में शिफ्ट करने के लिए लेके गया जा रहे थे, रूम में शिफ्ट किया था, अच्छे तरीके से जा रही थी। और ये देखो हॉस्पिटल, ये ऑपरेशन थिएटर में ऑब्जर्वेशन रूम में लेके जा रहे थे, तो वहाँ पे उनका ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया 7 जुलाई को। और 7 जुलाई को रखने के बाद मैडम ने लास्ट चेकअप 11:30 बजे किया और मुझे बोला, हर्षद मैं 2 बजे, 4 बजे और 6 बजे उसका चेकअप करने आऊँगी प्रॉपरली तरीके से। तो इसके लिए मेरे नर्स जो है नेहा सहा, नेहा करके कोई था, तो उन्होंने वहाँ पे ध्यान रखने के लिए बोला। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 11:30 बजे के आसपास मैडम ने चेकअप किया और 11:30 बजे निकल गए, 11:30 बजे निकल गए। मैं रहा देख रहा था नीचे रिसेप्शन काउंटर में, मेरी भाभी 6:30 बजे तक, 11:30 से लेकर 6:30 बजे तक मेरी वाइफ के साथ ही बैठी थी, उसके पैर दबा रही थी, उससे बातें कर रही थी और सब कुछ वो वहीं पे थे, तो वो सब कुछ देख रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैडम का टाइम हो गया 1:30 बजे 2 बजे का, हम राह देख रहे थे कि मैडम अभी तक आए नहीं। तो हमने जो नर्स थे उनको बोला कि मैडम ने बोला 2 बजे आए नहीं, अभी तक आए नहीं है, थोड़ा देखिए क्या हुआ। तो मैडम गए, नर्स ने फ़ोन लगाई, मैडम ने कुछ रिसीव नहीं किया पता नहीं, लेकिन उन्होंने हमको, नर्स ने बोला कि नहीं अभी तबीयत ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम में 2 बजे ठीक थी, लेकिन 3 बजे मैं खुद ऊपर जाके देखा तो मैं वहाँ पे नर्स सोई थी, नीचे बेड ऊपर था, मेरी वाइफ की वहाँ पे तबीयत ख़राब थी और वहाँ पे नर्स जो थी वो सोई थी 3:15 बजे। CCTV फुटेज भी आप देख सकते हो जो सक्कादरा पुलिस स्टेशन के पास है। आपने जब उनको लाया था तो उनको क्या पेन हो रहा था? कुछ भी पेन नहीं हो रहा था उसको, एकदम सीजर जैसे बोलते हैं ना कि आप आ जाइए कल सीजर के लिए, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो उसके तरीके से उस हिसाब से ही आए थे हम, सीजर के लिए ही आए थे। तो अचानक मॉर्निंग में फिर नॉर्मल की प्रोसेस हुई, 6:30 बजे मुझे बोला गया कि हर्षद मैडम 6:30 बजे आई मैडम, उसने बोला हर्षद कि आधे एक घंटे में गायत्री की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मुझे वहाँ पे क्वेश्चन है कि मैडम को बोला मैंने कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों, आप तो सीजर कर रहे थे। तो नहीं बोले प्रोसेस है बोले, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैडम बोले कि आप घर पे कौन है, मतलब मम्मी है, तो आप घर जाके गर्म पानी ला सकते हो क्या? तो मैंने बोला गर्म पानी क्यों, तो चाहिए बोले। तो मुझे 5 लीटर गर्म पानी भेजने लाने के लिए घर भेजा, और घर से मैं आ ही रहा था, 15 मिनट मेरा रास्ता 4 किलोमीटर के घर था, तो मैं आ ही रहा था, मेरा भाभी का अचानक फ़ोन आता है कि हर्षद भैया जल्दी आइए, कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है। तो अचानक मैं विद इन 10 से 15 मिनट में आया, कैटली 5 लीटर की गर्म पानी की ऑपरेशन थिएटर के बाहर रखा, और अचानक से मुझे मैडम बोली कि हर्षद इधर देख कि वो गायत्री नीली गिर गई है, पता नहीं उसको क्या हुआ अचानक, और उसका मूवमेंट मैंने देखा, उसका मूवमेंट जो जिस तरीके से वो 3 से 6 बजे तक की पूरी तड़प रही थी, तो उसकी मूवमेंट पूरी स्टॉप हो गई थी, वो पता नहीं उसको क्या हो गया था, वो नीली गिर गई थी और उसका यानी शरीर एकदम यानी सुन्न हो गया था, कुछ हिल नहीं रही थी। तो मैडम बोले अचानक डर गई थी मैडम कि क्या हुआ क्या नहीं, तो अचानक से सीजर किया उसका, 7:30 बजे के आसपास सीजर किया और बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे को बाहर निकालने के बाद मैं बाहर था ऑपरेशन थिएटर के बाहर, मैंने नर्स को पूछा भी क्या हुआ क्या नहीं, नर्स बोले नहीं आपको मैडम बताएंगे। तो हर्षलिंगोले ने मुझे बुलाया अंदर, और वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चा एक झूला रहता है, झूले के अंदर था और डॉक्टर पंच कर रहे थे, श्वास दे रहे थे उसको। तो मैंने देखा बच्चा ओपन था, तो बच्चे का लिंग मैंने देख लिया, लिंग अंडाशय देखा इतना बड़ा और नुन्नी देखी, तो मैं समझ गया कि बच्चा मेल है। तो मुझे समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो मेल बगा, तो मैडम डॉक्टर ने बोला कि इसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बच्चा रोया नहीं, अपने को जल्दी से हिल सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो धनतोली में हिल चिल्ड्रन सिटी हॉस्पिटल, वहाँ पर ICU में रखा गया। वहाँ पे हर्षलिंगोले ने 10:30 बजे मुझे बताया कि उसकी क्रिटिकल कंडीशन है और वो 99% चांसेस नहीं है, 1% अगर बच गया तो एबनॉर्मल रहेगा। तो ऐसा बोलने के बाद मेरी भी इच्छा वहाँ पे थोड़ी मर गई थी कि मैं बच्चा लेके क्या करूँगा ऐसा। तो मेरा ध्यान वाइफ की तरफ था, मुझे पता चला कि वाइफ 7 स्टार में एडमिट हुई, तो 11:30 के बजे में सेवन स्टार हॉस्पिटल जगनाड़ी स्क्वायर गया। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करके अंदर चेक देखा मैंने, मेरी वाइफ मेरे तरफ देख के बोली कि मुझे पानी चाहिए, वहाँ पे वो बात की मेरे से कि पानी चाहिए, हमने उसको पानी पिलाया 2 घूंट और वहाँ से निकल गए। वहाँ पे फिर मीटिंग हुई, आशीष कुबड़े का सर है, उन्होंने हमको हमारी मीटिंग ली, मीटिंग में बताया कि इसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, कुछ मेडिकल टर्म्स से उन्होंने ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, 50% चांसेस है कि शायद बच ना सके। तो वहाँ पे मैं थोड़ा डर गया कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से सब कुछ कंडीशन बराबर थी एक दिन पहले और सब कुछ हो गया, तो 50% चांसेस थे ऐसा बोलने के बाद हम वहाँ पे घबरा गए कि क्या हुआ अचानक। तो बोले अभी ट्रीटमेंट दिया है, अगर आप देखते हैं दवाई कहाँ तक वहाँ
प्रोसेस करती है। उसके बाद ट्रीटमेंट चलती रही 10:30 बजे मुझे हेल्थ चिल्ड्रन सिटी हॉस्पिटल से फ़ोन आता है 8 जुलाई 2020 को कि आपके बेटे का डेथ हो गई है, आप बॉडी लेके जाइए। मैंने बोला हम 11:30-12 बज गए थे, अभी नहीं आ सकते, वाइफ की तबीयत कंडीशन ख़राब है, तो हम मॉर्निंग में मेरा भाई आएगा बॉडी लेके जाएगा। मॉर्निंग में मेरा भाई गया, वहाँ पर बॉडी पूरा कपड़े से लपेटा हुआ था, और कपड़े से लपेटा हुआ था, बॉडी को लिया, डॉक्यूमेंट लिए और गंगा बाई घाट में दफन कर दिए। और एक नाल थी, नाल वो हमको एक कगज में लपेट के उसके यहाँ पे लगा दिए थे, कपड़े अरे चिट्टी पे ऐसे कगज में बांध के यहाँ पे लगा दिए थे, चिपका दिए चिट्टी लगा के, और वो फिर हम दफन कर दिए। दफन करने के बाद फिर सब लोग सेवनस्टार में आए, सेवनस्टार में उसकी हालत कंडीशन और क्रिटिकल हो गई थी। 9 जुलाई को 12-1 बजे के आसपास उसकी डेथ हो गई। फिर हमने सोचा कि कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, डॉक्टर के कुछ तो भी गड़बड़ किया है, हमने पोस्टमार्टम डिसाइड किया पोस्टमार्टम करने का। इसके लिए नंदनवन पुलिस स्टेशन में वहाँ पे आई, इन्वेस्टिगेशन किया और डॉक्यूमेंटेशन किया, और बाद में 10 जुलाई 2020 को उसका पोस्टमार्टम किया। हाँ, वाइफ का पोस्टमार्टम करने के बाद जब पोस्टमार्टम ने किया, हम अपने 2 दिन दुखद में गए। 13 जुलाई को हम हेल्थ चिल्ड्रन सिटी हॉस्पिटल फिर से गए, डॉक्यूमेंटेशन लाना था कुछ, तो वहाँ पे गए तो हमको डेथ समरी मिली। डेथ समरी मैंने देखा वहाँ पे फीमेल मेंशन था। हर्षल इंगोले को मैंने बोला, डॉक्टर हर्षल इंगो को बोला कि यहाँ पे फीमेल मेंशन है, मेरा बेटा तो मेल था, आपने फीमेल कैसा मेंशन किया। मैंने बोला देखो टाइपो मिस्टेक आपकी हो सकती है कुछ, तो वो अंदर गए, 15-20 मिनट बात की किसी से, और पता नहीं 15-20 मिनट अचानक आए और मुझे बोलते कि नहीं हमने कन्फर्म किया कि फीमेल है। मैंने बोला सर मैंने खुद अपने आँखों से देखा, उसका लिंग देखा, उसका अंडाशय देखा, तो आप बोल रहे कि फीमेल है, पॉसिबल ही नहीं बोला। तो वो वहाँ पे घबरा गए तो हमको डाउट लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो हमने वहाँ पे 2-1.5 घंटा हमसे उनसे झगड़ा किए, रिकॉर्डिंग भी की हमने उसकी, और वहाँ से निकल गए। हमने बोला ठीक है, हम इसके बोला आपको कंप्लेंट करेंगे और आपके खिलाफ़ भी जाएंगे। तो हमने फिर वहाँ से 13 जुलाई 2020 को अभियोग हॉस्पिटल सक्कदरा यहाँ पर अभिलाषा मैडम से डिस्कस करने गए कि उनका क्या कहना है इसके ऊपर कि मेल फीमेल के बारे में। तो वो भी बोलने लगे कि नहीं फीमेल है, पहले तो कुछ बोली नहीं। हमने बोला हमारा बेटा मेल था, तो वो बोलती मेल बेटा नहीं था आपका, बेटी था यानी फीमेल था। मैंने बोला मैडम हमने खुद देखा है कि मैंने जो लिंग देखा मैंने, हाँ बोले आपने देखा बोले, मैंने बोला मैंने खुद देखा, मैं इतना नहीं समझ सकता कि मेल है कि फीमेल है, तो उसके लिए मेरे को डिग्री की तो ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की कि वो पहचानने के लिए मेरे को डिग्री लगेंगी। तो वहाँ पे वो घबरा गए तो उनका एक्सप्रेशन वगैरह सब चेंज हो गया। हमने सोचा कि कुछ तो भी गड़बड़ है और हम उनके तरफ की कंप्लेंट करने के उनको बोल दिया। और 15 जुलाई 2020 को हमने सक्कदरा पुलिस स्टेशन यहाँ पे कंप्लेंट फाइल की, और 18 जुलाई 2020 को धनतोली पुलिस स्टेशन में हेल्थ चिल्ड्रन सिटी हॉस्पिटल, हर्षल इंगोले और आशीष आकूप इनके खिलाफ, वैसे पूरे हॉस्पिटल के खिलाफ ही हमने कंप्लेंट डायर की। 23 जुलाई 2020 को बच्चे की बॉडी गंगाबाई घाट से निकाली गई, वहाँ पे फीमेल बॉडी निकली। इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन है कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैंने मेल देखा सब कुछ किया तो कैसे क्या। तो उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई बच्चे की, 23 जुलाई 2020 को पोस्टमार्टम किया, उसको फिर से हमने दफन वहीं पर किया। और बाद में DNA रिपोर्ट आया 3 दिसंबर में DNA रिपोर्ट आया, और DNA वो मैच दिखाया जो फीमेल निकली थी बॉडी और मेरा जो ब्लड लिया था उसमें मैच दिखाया मेरा जो भी लिया था। तो मुझे वहाँ पे पूरा डाउट है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मैंने मेल देखा और ये फीमेल वहाँ पे फीमेल निकली, DNA रिपोर्ट मैच आया, ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मैं उसके खिलाफ़ हूँ और मैं कदापि DNA टेस्ट का DNA टेस्ट अपना फॉरेंसिक लैब अपने, हाँ गवर्नमेंट फॉरेंसिक लैब तंतु अपना रहाटी कॉलोनी। गवर्नमेंट वालों को क्या ऐसा कि वो आपका जो DNA है वो चेंज कर दे और रिपोर्ट चेंज कर दे, उनसे आपका क्या लेना देना है इंटरनली क्या है सर, तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, हो सकता है मेरा ब्लड चेंज कर दिया, वो उनको भी नहीं पता होगा। इंटरनल ब्लड तो बाहर से आता है, ब्लड मेरा 24 जुलाई 2020 को ब्लड लिया मेरा GMC में, वहाँ पे भी पुलिस वगैरह आए थे और उनके सामने लेके ब्लड किए। अब इंटरनली क्या हो सकता है सर मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कैसे किया, लेकिन मैं तो इतना पक्का हूँ कि मेरा बेटा मेल है, तो मैं कैसे उसको एक्सेप्ट करूं। अगर मेरे जगह कोई दूसरा भी होता, मेरे जगह कोई दूसरा होता, आप होते तो आप भी देखते तो आप ही वही करते, या फिर मेल होता तो आप भी वही देखते थे कि मेल है तो मैं क्यों जाऊं। तो मुझे वहां पे डाउट है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं कि है, मुझे डाउट है कि अगर मेरा मेल है तो फीमेल की बॉडी आई कहां से, मेरा ये डाउट है। आप देख सकते हो मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट भी मेल का है। हर्षल इंगोले ने डॉक्यूमेंट के ऊपर ओवरराइड क्यों किया,
ये आप मुझे बता सकते हो कि ओवरराइड क्यों किया? उन्होंने हमसे चर्चा भी कर सकते थे, लेकिन आप देख सकते हैं उसमें उन्होंने मेल का फीमेल किया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पे फीमेल किया, ये भी आप देख सकते हो। इसके ओरिजिनल कॉपी भी मेरे पास है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये लैब के डॉक्यूमेंट्स है। हाँ। यहाँ पे पहले प्रिंट मेल था, फिर ये साफ दिखाई दे रहा है कि पेन से चेंज किया गया है, फीमेल किया गया है। ये भी डॉक्टर के, ये इनके परिजन के सामने किया गया ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, ये भी हमारे सामने किया गया। डॉक्टर अर्शद इंगोला ने ICU में लेके जाके वहाँ पे पेन से देखो, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये आपको ब्लू पेन दिख रहा होगा, इससे उन्होंने प्रॉपरली ओवरराइड किया। ये तो फ्रॉड है ना, ये तो आप दिख रहा है फ्रॉड है। यहाँ पर भी उन्होंने किया और यहाँ पर भूल गए वो गड़बड़ी में, ये भी देख सकते हो। उसके बाद आप ये जो एक्सरे रिपोर्ट है, एक्सरे रिपोर्ट पर भी आप देख सकते हो कि इसके ऊपर भी एज अ मेल है। ये देखिए, आप देख सकते हैं न्यू बेबी बॉर्न M करके आया है यहाँ पे, वो मेल दिखेगा आपको। तो ये सब गड़बड़ है, ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे साथ गेम किया गया है, और बच्चे को मैं शोर के साथ कहता हूँ कि बदला गया है 100%। और ये सच उगलवाने के लिए ही हम चाहते हैं कि वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट लेटर भी दिया है धंतोली पुलिस स्टेशन को कि हमारे मेरे बच्चे के जो बेबी वहाँ से निकला उसके जो ऑर्गन्स है प्रॉपर तरीके से आप प्रिजर्व करके एक लेटर लिखिए। हमने भी लेटर दिया है धंतोली पुलिस स्टेशन को कि हमारे मेरे जो फीमेल बॉडी निकली उसके ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से संभाल के रखिए, जब भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसका प्रॉपर तरीके से दूसरे लैब से DNA किया जाएगा। और यही हमारे डाउट है कि आपको जो बेबी दिया गया आपका नहीं है, और आपका बेबी है कि ही और है अभी? हाँ, मेरा बेबी है। अगर उनका मेरा बेबी अगर नहीं होता तो मुझे उन्होंने मेल ही वापस किया रहता था, वो बॉडी रख के करते क्या? उन्होंने कहीं ना उन्होंने वो जब उसका सीरियस हुआ तो उसके बाद वो रोया नहीं था, तो हो सकता है 2-3 घंटे बाद रोया होगा, उसको ट्रीटमेंट दिया होगा, ट्रीटमेंट के बाद रोया होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ उस वो आया होगा प्रॉपर तरीके से ऊपर, तब उन्होंने ये सब तरीका वहाँ पर किया हुआ है। ये पूरा मुझे डाउट पक्का है, ये मेरे डाउट। अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी मैं यही मांग कर रहा हूँ कि ये सब जो भी प्रकार डॉक्टर अभिलाषा देशमुख, योगेश देशमुख, हर्षल इंगोले और आशीष आकूप जो हमने मेडिकल काउंसिल के को पिटिशन फाइल किया है, पिटिशन फाइल में हमने इतना ही बोला है कि इसका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, बेबी को जो अदला बदली हुआ है इसका प्रॉपर तरीके से दूसरी एजेंसी मार्फत उसका CBI इंक्वायरी हो, या फिर CID इंक्वायरी दो, या फिर गवर्नमेंट की कोई ऑथोराइज पर्सन दो जिसका ये खुलासा कर सके कि हमारा बेबी मेल था, और वो प्रॉपर तरीके से अंदर जाए, वो केस के अंदर जाने के बाद ही कुछ ना कुछ निकल आएगा, ये मेरा पक्का इरादा है। उसमें आप गए थे, कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने हमने पिटिशन फाइल की थी हाईकोर्ट में, एडवोकेट श्रीरंग भंडारकर सर इन्होंने हमारी पिटिशन फाइल की थी कोर्ट में, तो उन्होंने बोला है जैसे वकील ने कहा है कि जो GMC का जो रिपोर्ट आया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है इसको मिला के जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है तो वो जो डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया वो प्रॉपर है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि अब कोर्ट ने जो दिया चलो हम उनसे मानते हैं, लेकिन कोर्ट ने हमको बुलाया कि आप हमारे तरफ आने के पहले आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ जाइए, वहाँ पे पिटिशन फाइल कीजिए और वो रिपोर्ट को आप मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को चैलेंज कीजिए, अगर उसमें कुछ आता है तो आप कोर्ट में आ सकते हो। ऐसा है फाइल के अभी महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में हमने पिटिशन फाइल किया है, वो पिटिशन पहुँच गई है, 3-4 दिन पहले पहुंच गई है, मैंने ऑनलाइन स्टेटस भी उसका रिसिप्ट देखा वो भी पहुंच गई है, तो मैं वही राह देख रहा हूँ कि उसका कब मुझे कॉल आता है और उसके ऊपर क्या एक्शन होती है, तो एक्शन तो होना ही चाहिए क्योंकि वाइफ गई है, मेरा बच्चा चेंज किया गया है, इसके पहले भी वो हॉस्पिटल में, अभी एक हॉस्पिटल में हो सकता है कि हुआ भी है, तभी जाके इन्होंने इतना प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया हुआ है। एक तो हॉस्पिटल उनका डॉक्यूमेंट उनके, वो डॉक्यूमेंट भी चेंज कर सकते हैं, दूसरे भी दे सकते हैं उनको दिखाने के लिए, दूसरे दे सकते हैं, हमको भी कुछ चेंज किया होगा 2-3 दिन में वो भी, क्योंकि हॉस्पिटल उनका, डॉक्टर उनके, स्टाफ उनका, अब उनका कुछ खुद का होने के वजह से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने पता नहीं वो क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उनकी निगलिजेंसी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हुई है और मेरे बच्चे को भी चेंज किया गया है, तो मैं अगर कल जाके अगर मेरा कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार
ये सब डॉक्टर होंगे जो हमने पिटीशन फाइल किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी इसका जस्टिस मिले, मुझे न्याय मिले, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं उनके हॉस्पिटल के सामने मैं अपना कुछ कर लूँगा। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, अगर कल कुछ होता है तो मैं उनके हॉस्पिटल के सामने कुछ भी कर लूँगा। तो ये थे हर्षल टोपरे, जिनके ऊपर जो बीती, उनका एक बेबी जो है उनकी डेथ हो गई, बीवी की भी डेथ हो गई है, और इनका इन्होंने आरोप लगाया है कि बच्चे की अदला बदली हुई है, इसके लिए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वही अगर इनके इनके स्वास्थ्य के साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो संबंधित डॉक्टर रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन दिलेश हजार के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।